हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत यादव और आप देख रहे हैं ट्यूब चैनल यस बीज हारमोनी। दोस्तों, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने की सोच रहे हो? क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा पैसा कमाना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि आपके हर एक सपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से पूरे हो सकते हैं? दोस्तों, अगर आप सबको ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो और आपके हर एक सपने नेटवर्क मार्केटिंग से पूरा हो सकते हैं, तब तो ये वीडियो आपको दोस्तों जरूर देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यहां पर मैं बताऊंगा कि आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। यहां पर आप खुद अपने आप को जज कर पाओगे, जान पाओगे कि आप जो है आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबको ऐसे 10 पॉइंट बताने वाला हूं, जिस पॉइंट को जान लेने से आप अपने आप को खुद जो है जान जाओगे कि आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या नहीं है और आप वहां पर सक्सेस हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, आइए चेक करते हैं कि आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या नहीं है। पहला पॉइंट, लेजीनेस। दोस्तों, अगर आप आलसी हो और आपको कोई काम करने में आलसपन आता है, जैसे आपको कोई काम करना हो तो आप आज नहीं कल करता हूं, कल नहीं परसों करता हूं, परसों नहीं ना, इस तरह से अगर आप काम को टालते रहते हो तो आपके लिए दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में फुर्तीला आदमी चाहिए जो हर समय एक्टिव रहे। दोस्तों, वो ऐसा आदमी चाहिए जो कल का काम भी आज कर डाले। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग फुर्तीले और एक्टिव आदमी को ही मिलती है। इसलिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में हर समय एक्टिव और तैयार रहना चाहिए। तो अगर आपके अंदर आलसपन है तो आप दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, ड्रीम। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में कुछ सपने बनाकर रखे हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए कुछ सपने बनाकर रखे हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप ने सपने बना कर रखे हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपके लिए जरूर है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जरूर करना चाहिए। अगर दोस्तों आपका कोई सपना नहीं है और कोई लक्ष्य नहीं है तो आप जो है आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सपने देखने वाले और सपने को पूरा करने वाले ही सक्सेस होते हैं। कहा गया है कि जिसके सपने बड़े होते हैं वही अपने मंजिल तक पहुंच पाता है। तीसरा पॉइंट, हार्ड वर्क। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जब कोई ज्वाइन होता है तो स्टार्टिंग में उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। क्योंकि दोस्तों, बिना मेहनत के पैसे नहीं आते। इसलिए दोस्तों, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपसे कड़ी मेहनत मांगता है। तो दोस्तों, क्या आप ये कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं? तो अगर है तो आपके लिए एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जरूर करना चाहिए आपको। अगर नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट, सेल्फ डिसीजन। दोस्तों, मान लीजिए आपने प्लान देखा, सेमिनार अटेंड करके सेमिनार देखा और आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से समझ गए, सब कुछ आप अच्छी तरह से जान गए, इनकम प्लान जान गए, प्रोडक्ट के बारे में जान गए और आपको अब डिसीजन लेने का जब समय आया तो आप हिचकिचा रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं और या तो आप अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि मैं उस कंपनी को ज्वाइन करूं या ना करूं। दोस्तों, जिस इंसान ने प्लान देखा ही नहीं, उस कंपनी के बारे में जानता ही नहीं, आप उससे पूछ रहे हैं कि आप ज्वाइन करें कि नहीं करें, आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं कर सकते। क्योंकि जो इंसान अपना डिसीजन नहीं ले सकता वो काम कैसे कर पाएगा? क्योंकि जो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपना सेल्फ डिसीजन बहुत जरूरी होता है। पांचवा पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंट। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको खुद पर निर्भर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक सक्सेस हासिल करना है, एक मुकाम हासिल करना है तो आपको दूसरे का सहारा लेना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए कि आपने किसी गेस्ट को बुलाया है प्लान देने के लिए तो और आप अपने सीनियर का इंतजार कर रहे हैं तो गेस्ट के मन में
एक अलग भावना जगेगी कि आप जो है आप खुद सीनियर के भरोसे, खुद सीनियर के निर्भर पर आप टिके हुए हैं। तो इसलिए आपको दोस्तों खुद पर निर्भर होना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको सीखने के लिए जरूर जो है दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन सीखने के बाद आपको खुद पर जो है निर्भर होना पड़ेगा और सेल्फ डिफेंस होना पड़ेगा, तो ही आप जो है आगे जाके सक्सेस हो सकते हैं। छठवां पॉइंट, पेशेंस। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो सबसे अहम भूमिका है वो है धैर्य। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो आपको धैर्य रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपसे बहुत बड़ा धैर्य, पेशेंस मांगता है। क्योंकि दोस्तों, स्टार्टिंग में जब आप काम करते हैं तो आपका जो है मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है और पैसे बहुत कमाते हैं, तो लोग यहीं पर जो है कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेशेंस को खो बैठते हैं, अपने धैर्य को खो बैठते हैं और जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग काम करना बंद कर देते हैं और वो यहीं पर फेल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप, आपके अंदर पेशेंस है, आप धैर्य रख सकते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जरूर करना चाहिए। और अगर आप धैर्य, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है, तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। सातवां पॉइंट, नाइस वे टू टॉक। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहते हो और आप सक्सेस होना चाहते हो, तो आपके अंदर दोस्तों बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत मायने चीज, बहुत मायने रखने वाली चीज है कि आपके अंदर एक गुण होना चाहिए कि आपके अंदर जो आपकी भाषा शैली है, जो बोलने का ढंग है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एक गुण अगर आपके अंदर है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्द सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आप किसी को कट वचन ना बोलें, आपके बात करने के तौर तरीके अच्छे होने चाहिए और आपकी बोली में एक मिठास होना चाहिए, जिससे आप किसी से प्लान दे रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो लोग आपसे जो है आकर्षित हो जावें। तो आपके अंदर ये टैलेंट भी होना चाहिए और ये बोलने का ढंग अच्छा होना चाहिए। अगर ये गुण आपके अंदर है तो आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग को कर सकते हैं। आठवां पॉइंट, डोंट बी शाई अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको एक बहुत अहम चीज पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है और आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। सबसे अहम चीज जो है वो प्रोडक्ट बेचना आपको आना चाहिए। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट बेचने का तौर तरीका आपको आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट अगर आप मार्केट फील्ड में बेच रहे हैं या प्रोडक्ट के बारे में किसी को समझा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बेचने में आपको शर्म बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, कोई भी हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आपको शर्म दिलाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो प्रोडक्ट बेच रहा है तो ये सामान बेचने लगा, अब ये भी काम करने लगा, ऐसा बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे फील्ड में। तो आप इन लोगों से भी जो है इनका बातों पर ध्यान न रख करके आप अपने काम पर, अपने प्रोडक्ट को बेचने में कोई भी हिचकिचाहट, कोई शर्मिंदगी महसूस आपको नहीं होनी चाहिए। अगर एक गुण अगर आपके अंदर है, अगर ये चीज आप कर पाएंगे, प्रोडक्ट बेच पाएंगे, तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कहा गया है कि अगर आपको अमीर बनना है तो बेचना पड़ेगा। नौवां पॉइंट, सेल्फ मोटिवेट। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर आपको अच्छे से सक्सेस होना है तो आपको जो है सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, जब आप फील्ड में उतर करके यहाँ काम करेंगे और आप फील्ड में काम करेंगे, मार्केट में काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, तो जिससे आप जो है आपका मोटिवेशन कम होता रहेगा, काम करने की इच्छा कम होती रहेगी। तो यहाँ पर आपके अंदर खुद एक जो है एनर्जी होनी चाहिए, खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि जैसे मैं कर सकता हूँ, ये लोग तो कहने वाले कहते रहेंगे लेकिन मैं कर सकता हूँ, इसको उन्होंने अगर सक्सेस पाया है तो मैं भी सक्सेस पा सकता हूँ। आप अपने आप को खुद एनर्जी अपने अंदर भरना पड़ेगा, खुद एक मोटिवेट करना पड़ेगा और फिर से फील्ड में उतर के काम करना पड़ेगा। अगर दोस्तों, अगर ये आप कर सकते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, नहीं तो आप यहीं पर डीमोटिवेट हो जाओगे। दसवां पॉइंट, हैबिट ऑफ नॉट लिसनिंग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर सक्सेस होना है और जिन लोगों ने आज तक सक्सेस पाया है, उन लोगों ने सबसे जो अहम भूमिका है
एक शब्द की है। वो शब्द उन लोगों ने अपनी जिंदगी में जो है अपने जिंदगी में उस शब्द को जो है ढाल लिया है और सुनने की आदत डाल ली है। वो शब्द है दोस्तों नो। जिन लोगों ने नो शब्द नहीं शब्द को अपने जिंदगी में उतार लिया और सुनने की आदत डाल ली, वही इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सक्सेस हो पाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि अगर आप 10 लोगों के पास जाएंगे 20 लोगों के पास जाएंगे तो जाके एक और दो ज्वाइनिंग आएगी और सब आपको नो ही बोलेंगे, नो ही बोलेंगे, मुझे नहीं करना है। यही शब्द आपको सुनते सुनते आदत डाल लेनी पड़ेगी कि मुझे नो शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले ने नो बोला तो मैं दूसरे के पास जाऊंगा, दूसरे ने नो बोला तो मैं तीसरे के पास जाऊंगा और तीसरे ने नो बोला तो मैं चौथे के पास जाऊंगा। ऐसे करते करते आप दसवें के पास जाओगे तो वो बोलेगा हाँ सर मैं ज्वाइन करूंगा, मुझे काम करना है। इसलिए आपको 9 लोगों का नो सुनने के बाद आपको 10वां यस मिलेगा। ये चीज तो आप 100% जो है अपने ठान लीजिए कि आपको ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में होने वाला है। अगर इस चीज को आप झेल सकते हैं, नो शब्द को आप झेल सकते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकते हैं और 100% सक्सेस को पा सकते हैं। अगर नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते, तो आप दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में काम दोस्तों नहीं रुकिए, अभी जाइए मत। 10 पॉइंट तो पूरे हो गए हैं लेकिन सबसे अहम चीज जो है बाकी रह गया है। दोस्तों सबसे अहम चीज ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें आपको कुछ भी समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हमारा अगला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।